गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार सर। अच्छा, आज हम कुछ अलग सी बात करने वाले हैं। बहुत देर बाद सोचा था कि मैथ के बारे में डिस्कस किया जाए। मुझे मैथ रेमेडीज है, आपने सब लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा इसको। मैंने भी बहुत देर पहले इसको यूज करना शुरू किया था, अप्रोक्सीमेट 1987। मार्क्स से क्या हुआ, जस्ट आपको ये सोचता ऐसे करने में से डर हुआ था। छोटा सा एक वार्ड था हमारे घर में, बच्चा था, पुलिस टीम में था, उधर में काफी बॉल थी, मैं 20-30 में चल रहा हूँ दोनों। सुनाई दे रहा है ना सब? सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर मेरे ख्याल, हाँ माइक आपका सर वो दूसरे वाला। नहीं सही नहीं आ रही आपको? अब जी अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है? मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करूं, आप कैसे लग रहा है? आप ठीक लग रहे हैं? जी सर ठीक हाँ आ रही है सर, मेरे। आगे जो क्या आवाज आ रही है। जी ठीक आ रही है। हाँ, तो ऐसा था कि मैंने उस बच्चे के केस में यहाँ पर उसके वार्ड्स देखे, ज्यादा विजिबिलिटी क्लियर है ना? सर, हाँ, यहाँ पर उतने डॉर्सल हेड के डॉर्सल साइड में बहुत ज्यादा वार्ड्स थे, 20-30 एक तरफ, 20-30 एक तरफ, ऐसे चल रहे। तो वो बच्चा हाइड कर रहा था ऐसे 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 करने की बजाय ऐसे कर, वो जो खाना बनाती थी लड़की मेरे को देती थी वो ऐसे करके देती। मैंने जब देखा कि इसमें ये क्या बात है, उसने बोला कि भैया इसको आप बचपड़ी और मुंह खत्म कर दो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। तो वहां पर मैंने पहली बार बैच रेमेडी को यूज किया था। तो मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्रैबएप्पल मेडिसिन का होता है, इसमें जस्ट वांट टू थ्रो, जो गंदा लगता है उसको आदमी जो पेशेंट है वो फेंकना चाहता है। वो मेडिसिन से जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने क्रैबएप्पल की थोड़ी सी डोज उस बच्चे को दी और 5 to 10 days और मे बी इन बिटवीन दैट वो बच्चा जो वार्ड्स थे बिल्कुल ही क्लियर हो गए, इतने देर में वार्ड्स सब सब सब। तो ये वहां से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, एक नया टूल हमारे हाथ में लगा, लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा टूल है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया और काफी हद तक इसकी मैंने कामयाबी भी देखी अपनी प्रैक्टिस में। तो बहुत बार यूज किया वो, ये बहुत ही अच्छा टूल है, एक वेपन है हमारा जो हमारे बहुत से काम आ सकता है। तो आज हम ये हमारे जो डॉक्टर बैच साहब थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, बैच फ्लावर रेमेडी का, जी उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ नाम डॉक्टर बैच। वो काफी रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी के बहुत माहिर थे वो। उन्होंने ये बैच रेमेडी शुरू किया। उन्होंने एक और पद्धति दी है हमारे को, उसका नाम बाबुल मसूड़ा है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बट ये बैच रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कारगर एक सिस्टम है। तो आज हम ज्यादा डिटेल में ना जाकर के आपको एक मेडिसिन से रूबरू करवाते हैं, उसका नाम है चिकोरी, CHICORY, चिकोरी। ये एक प्लांट है, इसके फ्लावर का जो इसेंस है उसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये चिकोरी का जो मेन सिम्टम है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस। हम जब पेशेंट हमारे पास आता है दो चीजें देखते हैं, पेशेंट को या तो कुछ चाहिए कि कुछ आए,
जहां कुछ जाए, जब भी हमारे पास अब हम बैच के हिसाब से बात कर रहे हैं और प्रति से भी ये टैली होता जाएगा, लेकिन फिर वो बात को कंपैरिजन बात भी करेंगे। या तो पेशेंट क्या चाहता है, कुछ आए या कुछ जाए, आए क्या जाए क्या, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम आए की बात करें, पेशेंट चाहता है कुछ आए, जाए की बात वो अलग मेडिसिन हो जाएगी। क्या आए, उसको पोजेशन चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, कंपनी चाहिए, उसकी उसको सुंदर सुंदर चीजें चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, ये चाहिए, एवरीथिंग, नॉलेज चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। ये उसकी एक जनरल मेंटेलिटी है सिक्योरिंग पेशेंट की। तब आप इसको देखेंगे कि थेरापेटिकली ये कितने काम आएगी, बड़े कमाल के काम होते हैं इससे। तो ये जो इसका पोटेंशियल है वो मदरलीनेस है। जैसे माँ अपने बच्चे को साथ लगा कर रखती है और बच्चा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, ये चकोरी का बॉन्ड है। ये जैसे चकोरी में क्या है, ये इतना सेल्फ पिटी है इसमें, सेल्फ लव है, खुद को, खुद गर्जी, खुद को प्यार, खुद के ऊपर तर्ज करना, खुद ही के ऊपर सब कुछ चाहिए कि सब कुछ मेरे साथ जुड़ा रहे। उसको कंपनी चाहिए, वो कंपनी बिना नहीं रह सकेगा, चिकोरी पर्सन जो हुआ, सेल्फ पिटी है उसको, उसको लगता है कि कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता मेरे को, तो लैक ऑफ एप्रिसिएशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। और इजिली हर्ट होता है पेशेंट, थोड़ी सी बात उसको टच कर जाती है, थोड़ी सी बात। ऐसे होम्योपैथी में हमारे पास बहुत से सिम्टम है, हम उधर को नहीं जाएंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लव फॉर पावर होता है, तो उसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, पूरी पोजेशन चाहिए, जो भी पॉसिबल है दुनिया में, जो अच्छा है वो उसको चाहिए। ये चकोरी की एक मेंटेलिटी है। अगर वो इसको नहीं मिलता, अगर वो इसको पोजेस नहीं कर पाता, फिर क्या होता है, द पेशेंट बिकम्स टॉक्सिक विद इमोशनल पॉइजनिंग। हमने थॉट पॉइजनिंग भी सोचा है, बहुत बार देखा है, हमने फूड पॉइजनिंग बहुत बार देखा है, और एक वर्ड जो इमोशनल पॉइजनिंग है वो मैंने देखा है पेशेंट्स में, कि मैंने खुद सोचा कि ये इमोशनल पॉइजनिंग है। ये पेशेंट धीरे धीरे जेलसी में कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में, और पहले चकोरी पजेसिव होता है, और धीरे धीरे उसको चाहिए कि मेरे को ये मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, माँ का, बच्चे का, वाइफ का, दोस्तों का, सभी का, टोटल सोसाइटी का उनको प्यार चाहिए, उनको प्रेफरेंस चाहिए, उनको लगा कि मेरे को तरजीह मिलनी चाहिए, मेरे को कंसिडर किया जाना चाहिए। ये टोटल जो चिकुरी का एक मेन सिम्टम है इसका, ओवर पोजेसिवनेस है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की मैं छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, कोई घर में आता है बच्चा, सॉरी कोई मेहमान आता है घर, बच्चे क्या करते हैं कि अपने टॉयज वगैरह बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, टेबल पे रखते हैं, जहाँ पर बैठे होते हैं हम ड्राइंग रूम में, तो वहां पर ले जाकर सजा करके रख देंगे। हाँ, वो थोड़ी देर तो रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, फिर जब देखते हैं कि इनका कभी ध्यान कम हुआ हमारी तरफ, तो और थोड़ा उसको तरफ उनका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। ये पूरा चिकोरी का सिम्टम है। यहाँ पर चिकोरी मेडिसिन आपको कभी फेल नहीं करेगी। जैसे हम इसका थोड़ा थोड़ा आपको आज, थोड़ा टाइम शॉर्ट है इसको, चिकोरी को पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन डिटेल में भी बात इसकी होगी, शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा मैं हिंट आपको देता हूँ। जैसे क्लिंगिंग होता है हम, और क्लिंगिंग इसमें बहुत ज्यादा है, पेशेंट कोई आएगा, बच्चा अपनी माँ के साथ साथ होकर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, उसके बिना इधर नहीं होगा, वो सब चकोरी के पेशेंट होते हैं। आप उसको चकोरी की डोज भी देंगे, उसको बुखार हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, पेशेंट आपका एडवांस ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में ये बच्चे अकेले नहीं रहना पसंद, इसमें फियर नहीं होगा, सिर्फ रहने का इनको लालच पड़ा रहेगा, रहने की इनकी इच्छा होगी, साथ रहने की, तो दूर जाने का डर नहीं, साथ रहने की इच्छा है, तो डर वाली मेडिसिन वो अलग हो जाएंगी, साथ रहने की इच्छा है, बस साथ रहना, साथ रहना, डर की वजह से नहीं, सिर्फ कंपनी की वजह से, माता की कंपनी चाहिए, पिता की चाहिए, बहन की, भाई की चाहिए, ये बच्चों का संकल्प है। तो पूरा
जब बच्चे आपके साथ क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो छोटे छोटे आपको कुछ बना करके दिखाएंगे, जी मम्मा ये देखिए, ये देखिए पापा ये देखिए, क्या उनको एप्रिसिएशन चाहिए। ये टोटली एप्रिसिएशन, इनको लैक ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है। ये डिजायर्स ग्रेट एप्रिसिएशन, बहुत ही ज्यादा इनको सराहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके सामने कुछ ना कुछ वो कर करके दिखाएंगे चिकोरी वाले पेशेंट। चिकोरी को जैसे हम देखते हैं कि ओवर प्रोजेक्शन में क्या आता है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसको। एक माता थी, माता की एक बेटी थी, तो जो पेशेंट हमने देखा था काफी देर पहले की बात है, वो बेटी की उनमें शादी नहीं की, 35 के करीब बच्ची हो गई, उसने शादी नहीं की। क्यों? उसका इतना लगाव, गहरा लगाव था अपनी बेटी के साथ कि उसने सोचा कि अगर बच्ची हमारे घर से चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो मेरे को कौन देखेगा। पहले हमने डिस्कस किया ना कि सेल्फ पिटी होता है इसमें, सेल्फ लव होता है, खुद गर्जी होती है, उसको खुद का लव अपनी बच्ची की किस्मत से या उसकी तंदुरुस्ती से या उसकी बेहतरी से ज्यादा ऊपर लगता है, वो खुद को तरजीह देती है। चकोरी का पेशेंट हमेशा खुद को तरजीह देगा, दूसरों को नहीं। दूसरों को खुशी देगा इसलिए देगा कि उसको मिलती है, अगर लगता है उसको उसको खुशी देने से उसको खुशी मिलेगी तो जरूर देगा, फिर वो दान भी करेगा, पुण्य भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर लगता है उसको नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, ये उसके लिए ये शर्त होगी कि उसको मिलेगा तो करेगा, ये चकोरी का है। उस माता ने क्या किया, उसकी शादी नहीं होने दी, उसको लगा कि अगर ये बेटी अपने घर चली जाएगी तो मेरे को कौन देखेगा, मेरा कौन प्यार करेगा, मेरी को केयर कौन करेगा। वो इतनी बड़ी बच्ची हो गई तो बच्ची को भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो साइड से लोगों से ये लगा कि बच्चे का ब्याह नहीं कर रहे, इसकी शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या बात है। तो जब उस बच्ची को किसी डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने बोला कि इसको तो मेंटल कोई टेंशन है, इसकी वजह से इसकी सेहत खराब हो रही है, उसकी सेहत बिगड़नी शुरू हो गई है। तो उसके चलते चलते वो पेशेंट हमारे पास आया, जो हमारे पास आया तो हमने जब हिस्ट्री ली, वो पेशेंट की यही दिक्कत थी कि बेटी की डिप्रेशन की मेडिसिन के लिए वो आए थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, जब उसकी मदर की हिस्ट्री टोटल ली तो तब से पता लगा कि ये मदर ओवर पोजेसिव है, ये अपनी बेटी की शादी नहीं होने देना चाहती। वो अंदर से अकेले उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को तो ये लगता है कि मेरा क्या होगा, क्या कैसे होगा, क्या करूंगी मैं इसके बिना, ये चली जाएगी तो मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी इसके बिना। तो वो क्या करती थी, वो अफेक्टेशन करती थी, जब थोड़ा सा वो अलग हो जाती थी तो अपनी बीमारी का बहाना लगाती थी। इसमें अफेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, ओवर अफेक्टेशन है इसमें। कोई भी अफेक्टेशन का पेशेंट हो वहां पर चकोरी एकदम से काम करेगी, बशर्ते कोई भी बीमारी हो। तो मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है। तो मैंने क्या किया, उस बच्ची को हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, उस लड़की को कोई मेडिसिन नहीं दी, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो हमने उसकी माता को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हमने उसको दवाई शुरू किया जाए, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन होता था। वो बोल रही थी कि मेरे को सिर दर्द होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये होता है, कुछ भी। तो हमने चकोरी उसकी माता को दिया। तो जब माता को चकोरी दिया, 2 महीने के बाद देने के बाद में वो काफी काम एंड क्वाइट हो गई। वो खुद सोचने लगी कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, हम इसकी शादी करना चाहते हैं, हम अब मेरे को लगता है कि इसकी शादी होनी चाहिए। तो वो बच्चे के टेंशन कम होने शुरू हो गई, बच्चे के फेस के ऊपर जो थोड़ा दाग पड़ने शुरू हुए थे वो भी कम हो गए, क्योंकि वो अपनी मदर के प्रेशर की वजह से थी, उसकी मैरिज डिले हो रही थी। उसका रीजन यही था कि उसकी माता उसकी मैरिज में विलंब डाल रही थी। तो माता को मेडिसिन देने के बाद वो माता भी ठीक हो गई और वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी शादी कर दी उसके बाद में। अब वो अपने घर में आती जाती है, ठीक है, लेकिन माता का जो लगाव है वो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ओवर पोजेशन वो ठीक हो गई उसकी। ये एक स्कोरी की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी मैंने आपको। ऐसा ही जैसे अब एक क्यूट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं एक हमारे पास हेपेटाइटिस का केस आया था, तो मैंने उसको होम्योपैथी ना दे करके मैंने सोचा कि हम किसी को देखते हैं। तो जब बच्चा वो आया, वो बच्चे का गोद में लेता रहता था, जब भी थोड़ा सा मदर पर पीछे हटती थी ना वो चीखने लगता था,
मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरे को घबराहट होती है। जब वो अपने बच्चे के अपनी माता के पास बैठता था बच्चा, तो वो बिल्कुल ठीक फील करता था, वो उसको टेम्परेचर हो रहा था। हमने इसको स्कोरी स्टार्ट किया, स्कोरी 3-4 दिन देने के बाद में उसका टेम्परेचर भी ठीक हो गया, उसको भूख भी लगनी शुरू की। ये ओवर पजेसिवनेस था और अफेक्टेशन था। अफेक्टेशन इसका सबसे मेन सिम्टम है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे, और सबसे बड़े सिम्टम इसके दो ही सिम्टम है, ये छोटे से यही सिम्टम है जिनमें आप इसको यूज करते हैं, वो बच्चा या पेशेंट जो रहता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे को प्रेफर किया जाए, मेरे को प्रेफरेंस दी जाए। वो कभी कभी क्या होता है कि खुद को अप्रिशिएट करने की बजाय उसको चाहिए कि मैं अप्रिशिएट हो जाऊं, वो दूसरे को डोमिनेट भी करना शुरू करता है। वो उसके कितने भी सिम्टम हो जाते हैं, वो इतना दूसरों को परेशान कर देता है, इतना अपनी प्रॉब्लम बता करके प्रॉब्लम परेशान प्रॉब्लम बताते बताते परेशान करता है, इसलिए कि उसको प्रेफरेंस चाहिए। उसको प्रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाती है तो वो ठीक हो जाएगा। वो भी चकोरी का सिम्टम है, उसमें भी आप चकोरी को यूज किया कर सकते हैं। जैसे दूसरों को कमेंट करना इसलिए कि उसको कंसिडर किया जाए, दूसरों के ऊपर कोई भी कमेंट करना कैसा भी करना कि उसको कंसिडर किया जाए, बात सिर्फ कंसिडर होने की है, ये चकोरी का सिम्टम है। जैसे हम पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं लालची स्वभाव का आदमी होता है ना, लालची स्वभाव का होता है उसको, ये पूरा 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 चकोरी है। जैसे इतना लालच करना, काम अच्छा चल रहा है वो दिन रात लगा रहेगा कि और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। जैसे हम बारसाती में देखते हैं डिजायर्स मोर देन चीनीज, बहुत ही चाहिए उसको, उसको बहुत नॉलेज चाहिए, उसको बहुत ही नॉलेज चाहिए, कभी अनएंडिंग उसकी जो इच्छा होती है नॉलेज को खींचने की, नॉलेज को सीखने की, हर चीज की अनएंडिंग इच्छा हो गई, पैसा इकट्ठा करने की, शोहरत की, ये सब चकोरी के सिम्टम है। अब चकोरी देंगे तो एकदम से पैथोलॉजी कोई भी हो कैसा भी हो वो एकदम से शांत हो जाएगी। तो उसको डर रहता है कि हमारे से कहीं कोई चीज दूर ना चली जाए, जैसे कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के लूज होने का डर रहता है, कोई मेरा फ्रेंड मेरे से टूट ना जाए, कोई मेरे से रूठ ना जाए, कोई दूर ना चला जाए, ये चीजें हैं ये जो चकोरी की पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। कई बार चकोरी के पेशेंट ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, क्यों, आई लव यू वेरी मच, आई केयर फॉर यू, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि उसको प्रेफरेंस चाहिए, उसको लगता है कि ये मेरे को वहां से प्रेफरेंस मिलेगी, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। आपने तो मेरे को देखा ही नहीं, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा था या देख रही थी या कुछ था, वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे ये चकोरी का जो पेशेंट होगा आपको। तो जो ये पेशेंट आपको बहुत ही सरलता से फॉरगिव नहीं करता, ये पेशेंट माफ बहुत कम करते हैं, ये कभी भी माफी के नजदीक तो पहुंचते ही नहीं, क्योंकि तो माफ दिया तो आपने उसका बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये तो प्रजेस करके रखना चाहते हैं, आपके साथ तो बॉन्ड चाहिए, इसको जोड़ना जाए, इसके लिए उसके लिए ये हर तरीका अपनाएंगे, इम्प्लाइज एवरी मीन्स, चाहे हंसी का, रोने का, गुस्से का, प्यार का और लालच का, सब तरीके का जो ये उसको ढंग अपनाएंगे अपने को ठीक करने का। अपनी इमोशनल बॉन्ड्स को, जैसे इमोशनल बॉन्ड्स है ना, उनको होल्ड करते रहेंगे हमेशा, तो जैसे एक मैं और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं इसका, जो अनएंडिंग पोजेशन होती है, जैसे डाउरी सीकर होते हैं आदमी, डाउरी सीकर क्या होता है, लड़का को शादी करने है हमने, वो लेके बेटी पढ़ी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, सुंदर भी हो, लेकिन साथ में डाउरी भी होनी चाहिए। अगर आपने डाउरी नहीं दिया, उसको डाउरी नहीं मिला, उसको कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं मिली, तो वो टॉर्चर करते ही जाएंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब चकोरी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो चकोरी नेगेटिव होता है ना, वो ऐसा ही होता है, वो पूरा डिमांडिंग होती है पर्सनैलिटी उसकी।
ये सिंपल सी बातें हैं जो मैं स्कूरी के बारे में आपको कहता हूँ कि ये पेशेंट इजीली बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वही प्रेफरेंस ना मिलने की वजह से। प्रेफरेंस ही इनका सबसे बड़ा जो एक हथियार है, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बस, और इसको कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात प्रेफरेंस की है। जो लव सिक है, जितने भी लव सिक के केस हैं, और ज्यादातर केसों में आपको ये स्कोरी के पेशेंट मिलेंगे। हाँ, एक कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें स्कोरी काम नहीं करेगी, लेकिन वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर केस जो होंगे, आपको कंपनी चाहिए, प्रेम चाहिए, पोजेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब जो स्कोरी का ही सब करता धरता काम है सब। तो जैसे अकेले रहना, कंपनी फियर ऑफ एलोन भी, उसको अकेले रहने से डर है, घबराहट है, अकेला नहीं रहना चाहता। तो वो ये चोरी का डर नहीं है, लेकिन वो चाहता नहीं। डर की बात आएगी तो और मेडिसिन आ जाएगी। वो अकेला नहीं रहना चाहता, बस उसको कंपनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए। जैसे आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो फिर भाग जाते, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, जैसे आप नर्सरी में जाते, उससे पहले वो फटाफट भागते हैं घर को, फटाफट भागते हैं मदर के पास, चकोरी देने से वो ठीक हो जाएंगे। आप कुछ ही दिन, 2 4 दिन उसको चकोरी दो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे फीवर के केसों में हम देखते हैं, हम जनरली कुछ पेन हो गया, कुछ हो गया, वो माता को होल्ड करना चाहेंगे, उनको ये लगेगा कि मेरी माता मेरे पास बैठी है, मेरे पास बैठी है, वो चकोरी का सिम्टम। उसको आप चकोरी देंगे तो आपका पेशेंट बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको आज छोटा सा शॉर्ट में, वो मेरे को शॉर्ट नोट्स में आज मिला था कि मैं अभी कोई बैच के बारे में बात करूं, क्योंकि तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला देखने का, और थोड़ा डिटेल में पेशेंट में बिजी होने के बाद। और इसको हम डिटेली इसकी थेरापेटिक यूज के बारे में नेक्स्ट टाइम हमारी जो मीटिंग होगी उसमें यूज करेंगे। देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये चकोरी एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसकी स्टडी करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये चकोरी पजेसिवनेस है, चकोरी सेल्फलेस है, चकोरी सेल्फ पिटी है, उसको लगता है कि मेरे को कोई एप्रिशिएशन नहीं करता, लैक ऑफ एप्रिशिएशन है, लॉन्गिंग फॉर एप्रिशिएशन है, लॉन्गिंग फॉर कंपनी है, ये इजिली हर्ट है, लव फॉर पावर है। वो खास करके सबसे बड़ी बात, इमोशनल पॉइजनिंग। इमोशन हर्ट होने की वजह से कोई भी दिक्कत आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पैथोलॉजी से करेक्ट की जा सकती है इसके यूज से, और की है हमने वो, हम एग्जाम्पल आपको फिर कभी अगले नेक्स्ट कभी बातचीत होगी तो इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है कोई? सर, जैसे हम होम्योपैथी फॉलो करते हैं, केगल मेथड फॉलो करते हैं, तो हाँ, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? जैसे आप बोल रहे तो बहुत सारे रेमेडी भी दिमाग में से आ रही थी, और आपने ये भी पिक्चर सामने रखा है, तो आपने ये शुरू करने का जो कारण क्या है बैच फ्लावर? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोग्राम था, घर में फंक्शन था, उसमें वो लड़की आई, वो तो वैसे ही मैंने स्टडी कर लिया कि मैं कहीं, हमारा कोई डॉक्टर दोस्त है, उनकी शॉप है, मेडिकल तो मेडिसिन वगैरह रखते हैं वहां पर, और बुक्स वगैरह भी उनके पास होती थी, मैं उनके पास चला गया था। तो वैसे ही हमने देखा, स्टडी किया, छोटी सी एक बुक बुकलेट थी वहां पे, तो मैंने उसको पढ़ा, देखा थे बड़े अच्छे सिम्टम लिखे थे उसने, जो पहले मैं कभी होम्योपैथी में पढ़ता था। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा टूल है, अगर ये काम करेंगे मेडिसिन को कमाल की काम करेंगे। तो मैंने उनसे बात की कि भाई ये डॉक्टर साहब आपने इसको यूज किया है? उन्होंने बोला कि मैंने यूज तो किया है, ये काम क्यों नहीं करता। मैंने सोचा जब इतने अच्छे डॉक्टर ने जिनकी इन्वेंशन की है, पैथोलॉजिस्ट थे, छोटी मोटी बात नहीं, और ये तो नहीं हो सकता कि ये चीज काम नहीं करे, कहीं ना कहीं यूज करने में कोई दिक्कत होती होगी। तो मैंने वहीं से 4 5 दवाइयां ली, एक रेबाप्रिल थी, एक मस्टर्ड थी, चेरी प्लम थी, एक शायद और भी थी, तो वो मैं लेकर आया। तो मैंने उसको स्टडी किया, स्टडी करके जो पहला केस मैंने जो आपको बताया वार्ड्स का था, तो उसको मैंने, मेरे पास 7 ग्लोबल थे, 7 ग्लोबल एक एक करके मैंने सैकड़े डाल के दिए, और 7 8 दिन के बाद में वो एकदम से वो चले गए। परमात्मा ने उसे सिखाना था,
कुछ हाथ में देना था, वो उसकी वो बजा भी नहीं हमारे लिए सीखने की, और कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं थी, मेरे को पता नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है। अचानक ही यही चाबी हमारे हाथ में लगी, ऐसे बैठे बैठे देख ला, बुक को पढ़ा और मेडिसिन को लिया और उसको यूज किया, पढ़ के रिजल्ट मिला तो शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बुक्स ली, जो आपको भी मैं बताऊंगा, ये फिलिप चांसलर की बुक है, उसको आप कभी स्टडी करना, फिलिप चांसलर। और दूसरे है मैटफील्ड शेफर्ड, शेफर्ड की बुक है, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको आप पढ़ते रहना साथ में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको इसको थेरापेट से पूरा बताऊंगा, तो आज शॉर्ट नोट में मेरे को बोला था डॉक्टर साहब ने, तो इसलिए थोड़ा इतना मैं आपको नहीं बता सकता, टाइम कम है। और कुछ जी? हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगली बार, पिछली बार भी आपने प्रॉमिस किया था और अगली बार, आज तो टाइम कम है, अगली बार आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बैच फ्लावर मेडिसिन को लेकर के जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो बहुत कम है। एक न्यू लाइफ बनाता है और उसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि जो इंडियन दवाइयां हैं बैच की वो उतनी असरकारक नहीं है जितनी की बाहर की, और आपने कहा था कि आप बाहर का ही ब्रांड यूज करते हैं। मैं तो वही करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो मैंने तो वहीं से मंगवाई थी मेडिसिन। तो पहले तो हमारे पेशेंट आते थे, जो पहले पहले मैंने जिन लोगों को ठीक किया था उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था, तो हमने फ्री में यूज किया, तो बहुत अच्छा है। जो 7.5 ml की एक पैकेट आती है, छोटी सी इतनी सी होती है, उसमें 7.5 ml मेडिसिन होती है, तो उस मेडिसिन का जो प्रेपरेशन है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। मैंने इंडिया से मेडिसिन बहुत बार यूज किया है, उसका रिजल्ट नहीं मिला मेरे को इतना अच्छा। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप इसकी ओरिजिनल ही मेडिसिन यूज करना, उसका उनका एड्रेस भी मैं भेज दूंगा आपको, उसके ग्रुप में डाल दूंगा कहाँ से मिलती है और कैसे यूज करना है, कैसे कैसे करना है, वो नेक्स्ट मीटिंग में हम पूरा कभी टाइम मिला तो बात करेंगे, और इसकी थेरेपेटिक यूज के बारे में जरूर बात करेंगे ताकि ये काम आए। अभी तो इसकी सिंपली इंट्रोडक्शन दिया था इसको, आपको बड़ी कमाल की दवाई है, और इस युग में तो खास करके बहुत ही कमाल की, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और कुछ सर ये भी बता देना कि कब होम्योपैथी यूज करना, कब कब बैच फ्लावर यूज करना, आपने कब कैसे करना है, जहां पर जैसे मर्जी करो वहीं पे काम करेगी, ये करो वो करो जैसे आपकी मर्जी, ये भी करेगी वो भी करेगी, वो आप एग्जांपल के हिसाब से जैसे ही मर्जी देखो, जैसे आपको लगता है। अगर आपने होम्योपैथी की मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, सबसे बेहतर वो एक ही डोज आपकी ठीक कर देगी, जिससे आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी, जो महंगी पड़ेगी आपको, वो इतनी सस्ती पड़ती है, वो महंगी नहीं पड़ती है, और सिलेक्शन इसकी भी इतनी सिंपल नहीं है, इसके लिए भी आपको थोड़ा इसको रूबरू होना पड़ेगा, इसके इसको जानना पड़ेगा मेडिसिन के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसको यूज करना कैसे करना है। जब एक बार पता चल गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, जो हमने ये छोटी छोटी बातें आपसे की चोरी के बारे में, जो चोरी की पर्सनैलिटी आपको बताई मैंने, ऐसे ही है। अगर ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिकनेस में, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, चोरी हो, सॉरी शुगर हो, कुछ भी हो, डायबिटीज में, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बट बशर्ते कि आपको ये सिम्टम मिलने चाहिए। अगर आपने ये सिम्टम को प्रॉपरली जज कर लिया तो ये मेडिसिन पूरा काम। जैसे स्लीपलेसनेस, कोई आदमी बोलता है तो मेरे पास हो ना तो मेरे को नींद आ जाती, अगर पास नहीं हो ना, घर में अकेला हूं तो नींद नहीं आती, चोरी देने से ठीक हो जाएगा। अगर आप इसलिए होम्योपैथी कोई मेडिसिन सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन दैट्स ओके, वो कर लो। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पर इसको करना है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, डिपेंड करता है हम क्या यूज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो आपने इतना प्रयास किया इकट्ठे होकर के बैठने का, तो मेरे ख्याल डॉक्टर राशि है, चले गई? हाँ सर मैं हूँ। ठीक लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। इंट्रोडक्शन है, टाइम बहुत कम है, इसके लिए पूरा ये काफी टाइम चाहिए एक मेडिसिन को करने के लिए, वो कभी हम फिर
फिर से दोबारे फिर से इसको पूरा मतलब उसमें करेंगे, हम पूरा थेरापेटिक्स के साथ करेंगे, एग्जांपल के साथ प्रॉपर एग्जांपल्स देंगे कि कैसे कैसे पेशेंट इससे ठीक हो सकते हैं। ओके यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।